आपस में हमारी थोड़ी बहुत गटपट भी हो जाती थी, क्योंकि हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता, मुझे मिले वो भी चाहता था टिकट, परंतु बड़े भाई ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, मुझे प्यार दिया है, प्यार दिया है कि अब हम सब आप सबका सम्मान है, पूरा गांव सिपर सम्मानित गांव है। गांव के जब इस इलाके के लोगों ने कभी भी मुझे के मंदिर में, के गुरुद्वारे में, के गरीब के के सेवा में, के भंडारे में कई पानी की व्यवस्था करने में जब भी आदेश दिया हो, सुख में आपके 24 घंटे आपके बीच रहा हो, रहा ना भी तक कभी भी किसी प्रकार का मनमुटाव या भेदभाव मैंने कभी भी किसी के साथ नहीं किया। कौन किस पार्टी में, कौन किस गांव का है, कौन किसके साथ है, समाज की सेवा के लिए मैंने हर आदमी के लिए काम किया है। परंतु बहुत संघर्ष चला, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, भाई रामकिशन फौजी ने, हमारे सीनियर नेता ने हमारे से भी ज्यादा काम किया, और 20 साल बाद कांग्रेस को 64,284 वोट मिले, 20 साल बाद इतने वोट मिले। ये सबकी मेहनत थी, आप सब कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस की मेहनत थी, परंतु कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, यहाँ के सीनियर नेताओं ने हमारे भाई रामकिशन फौजी का और मेरा नाम भेजा, टिकट के लिए फाइनल करके भेजा, परंतु पार्टी ने फैसला कर दिया था यहाँ के सीनियर नेताओं ने, दोनों में से किसी को दे दो, दोनों जीतने वाले उम्मीदवार हैं। प्रदेश कमेटी ने फैसला करके भेज दिया था, परंतु गलती कहां रही भाई साहब की और मेरी गलती। एक दिन रोड शो था भवानी खेड़ा में, और जो यूपी वाला भैया वहां आया था, भाई साहब ने भी सम्मानित किया था, मन ने भी सम्मानित किया था, अभी ने केवल एक तलवार लेके हमारी नाड़ काटने का काम करेगा। ये यूपी वाला भाई, ये कहते ना यूपी का भैया और रुपया किसी काम का नहीं होता, वही काम किया इस आदमी ने मारे। परंतु टिकट तो थी, उसको मिली हो, टिकट के साथ वोट नहीं मिलते, टिकट तो हमारी कट की होगी, पर वोटर लिस्ट में वोट कटे क्या बड़े उन्हें कटे ना, क्योंकि नहीं है ना वोटा तो देखेंगे। अब सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, जब भी आपका आदेश रहा, कोई भी सामाजिक काम रहा, कोई महिला महासम्मेलन रहा, कोई रक्षाबंधन का त्यौहार रहा, कोई संक्रांत का त्यौहार रहा, कोई तो दुख सुख की बात रही, कोई गांव की बालाजी भंडारे मंदिर कोई भी बात रही, तो मैं आपके बीच रहा हूं, एक आदेश से आपकी सेवा में हाजिर रहा हूं। तो आज मेरा हक बनता है, सबसे पहले भाई सीनियर नेता रामकिशन फौजी का हक था, इस गांव का था वो बेटा, परंतु पार्टी ने उनकी टिकट काट दी, मेरी भी काट दी, पर भाई साहब ने नामांकन वोट वापिस ले लिया और कहा कि मैं तो सत्ती भी मेरा भाई है, और इस यूपीआर को हराना, पंचायत में कहा हराना है, तो जो संदेश दे रहा था नेताजी ने दे दिया, अब आपका काम है, आपका फैसला है। आपके बीच रहने वाले हम इस इलाके के क्या 78 भाइयों में से बिहारी जिले में किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं किया वो टिकट के योग्य दे दिए जाए, ये यूपी से लाकर के दे दी गई, हमारे से धोखा किएगा। और बीजेपी वाला का भी बेरा हुआ आपने, बीजेपी वाला का बेचारा दिख रहा है कौन चल रहा, कैंडिडेट का पता है कौन चल रहे खड़े हैं, और कल से सट्टे लग रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त की भी शर्त लग रही, जमानत जब्त हो चुकी है। और कल हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली को संबोधित करने